गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे वी विल डू नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर फाइव द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल इन योर इंग्लिश लिटरेचर आज हम आपकी इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक में चैप्टर नंबर फाइव द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल के एक्सरसाइजेस करेंगे नोटबुक वर्क करेंगे फर्स्ट यू हैव टू डू हार्ड वर्ड्स सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स करेंगे जो कि चैप्टर्स में आए थे चैप्टर में जो हार्ड वर्ड्स आए थे जो वर्ड्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं समझने में फर्स्ट इज क्लेवर क्लेवर मीन्स चालाक चैप्टर में चालाक कौन था हु वॉज क्लेवर इन द चैप्टर द फॉक्स वॉज क्लेवर सेकेंड इज फेथफुल फेथफुल मीन्स वफादार ईमानदार जो कभी किसी को धोखा नहीं देते इन द चैप्टर हु फेथफुल द क्रोकोडाइल वॉज फेथफुल ना ही वॉज फेथफुल फ्रेंड ऑफ फॉक्स द क्रोकोडाइल वॉज फेथफुल फ्रेंड ऑफ फॉक्स थर्ड इज डिसाइडेड डिसाइडेड मतलब फैसला लेना दे डिसाइडेड टू ग्रीव फूड ऑन देयर ओन फॉक्स एंड क्रोकोडाइल ने डिसाइड किया था ना कि वो अपने आप अब अप, अपना फूड उगाकर खाएंगे इज ग्राउंड मीन्स जमीन ठीक है हम पेड़ पौधे पर 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 लगाते जमीन पर लगाते है? पर लगाते हैं? हैं, हैं. ज़मीन ही मीनिंग चालाक होता है सो so, फॉक्स के लिए हम क्लेवर वर्ड भी यूज कर सकते हैं एंड कनिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं द फॉक्स वॉज क्लेवर The fox was cunning. Sixth, laughed. Laughed means जोर से हंसना जब क्रोकोडाइल को कुछ नहीं मिलता था या फिर उसे जैसे राइस प्लांट में उसे सिर्फ जड़े मिली और राइस जो था वो फॉक्स को मिला फिर जब पोटैटोज उन्होंने उगाए तब भी क्रोकोडाइल को कुछ नहीं मिला जो पोटैटोस थे वो सिर्फ फॉक्स को मिले और क्रोकोडाइल को एक भी पोटैटो नहीं मिला तो फॉक्स जो था उस जोर जोर से हंसा और उसने सारे पोटैटोस खा लिए नेक्स्ट इज आउटसाइड आउटसाइड मीन्स बाहर एट्थ इनसाइड इनसाइड मींस मीन्स अंदर नाइन्थ इज शुगर केन शुगर केन मीन्स गन्ना गन्ने से शुगर बनती है गुड़ बनता है टेंथ इज पिप्स पिप्स मीन्स बीज सीड्स जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनमें बीज निकलते हैं ना उन्हें पिप्स कहते हैं नाउ कम टू नेक्स्ट पेज हेयर यू हैव टू राइट डाउन न्यू वर्ड्स न्यू वर्ड्स लिखेंगे फर्स्ट इज फेथफुल फेथफुल मीन्स लॉयल लॉयल वफादार जो अब कभी किसी को धोखा नहीं देते सेकेंड इज कनिंग कनिंग मीन्स क्लेवर इन ए बैड वे क्लेवर इन ए बैड वे मतलब जो गलत तरीके से किसी को ट्रिक करें थर्ड वन इज हार्वेस्ट हार्वेस्ट मीन्स कट द क्रॉप्स टू गेट ग्रेन्स क्रॉप्स को कट करना क्रॉप्स मीन्स फसल फसल को काटना टू गेट ग्रेन्स उनमें से जो अभी वीट के जैसे क्रॉप्स हैं तो उस क्रॉप को काटकर उस फसल को काटकर उसमें से वीट गेहूं निकालना राइस के क्रॉप्स हैं, राइस को काटकर उसमें से राइस निकालनाज अमेज अमेज्ड मीन्स सरप्राइज सरप्राइज मीन्स चौंक जाना जैसे क्रोकोडाइल जो था एकदम से सरप्राइज हो गया था ना चौंक गया था जब उसने देखा कि अरे राइस प्लांट में ग्राउंड के नीचे तो सिर्फ रूट्स हैं अब मैं रूट्स कैसे खाऊं फिफ्थ इज बिनीथ बीनीथ मीन्स अंडर अंडर मीन्स नीचे पोटैटोज ले बीनीथ द ग्राउंड मतलब पोटैटोज जो हैं वो बीनीथ द ग्राउंड है ग्राउंड के नीचे हैं जमीन के नीचे हैं सिक्स इज क्रॉस क्रॉस एक तो क्रॉस ये वाला क्रॉस होता है लेकिन यहाँ पर यह वाला क्रॉस नहीं है चैप्टर में क्रॉस का मतलब क्या है एनॉयड या फिर एंग्री मतलब गुस्सा होना, होना। गुस्से में जब क्रोकोडाइल ने देखा कि ग्राउंड के ऊपर तो एक भी पटेटो नहीं है तब वो क्रॉस हो गया था ना क्रॉस मीन्स वो गुस्से में आ गया था सेवेंथ इज स्नेप्ड सडनली एंड एंग्रीली सडनली मीन्स एकदम से और एंग्रीली मीन्स गुस्से से तो एकदम से गुस्से में बोलना एथ वन इज नास्टी नास्टी मतलब बैड एंड अनप्लेजेंट बैड मीन्स गंदा और अनप्लेजेंट मीन्स नापसंद जो चीज हमें पसंद नहीं है नाइन्थ इज प्लैटी प्लैंटी मीन्स अलॉट अलॉट बहुत सारा नाउ कम टू नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज यू हैव टू डू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करेंगे नेक्स्ट पेज पर फर्स्ट सेंटेंस इज द क्रोकोडाइल वॉज फेथफुल मीन्स वफादार क्रोकोडाइल वफादार था क्रोकोडाइल फेथफुल था यस yes. तो ट्रू लिख देंगे राइट डाउन टी नेक्स्ट इज ओनली द रूट्स ऑफ द राइस प्लांट ग्रू अंडर द ग्राउंड जो रूट्स थी जो जड़ें थी राइस प्लांट की सिर्फ वो ही ग्राउंड के नीचे थी वो ही जमीन के नीचे थी ट्रू राइट डाउन टी थर्ड इज क्रोकोडाइल एट द पोटैटो एट मीन खा लेना तो क्रोकोडाइल ने सारे पोटेटोस खाए थे नो no. पोटैटोज किसने खाए थे फॉक्स ने राइट डाउन फॉल्स एफ नेक्स्ट कोकोनट हैड नास्टी पिप्स ऑन द इनसाइड कोकोनट के अंदर नास्टी पिप्स थे बेकार से बीज थे कोकोनट के अंदर नो फॉल्स कोकोनट के अंदर क्या था कूल मिल्की वाटर एंड फ्लैश नेक्स्ट द क्रोकोडाइल सजेस्टेड टू शेयर एवरीथिंग क्रोकोडाइल ने सजेस्ट किया सजेस्ट मींस किसी को सलाह देना तो क्रोकोडाइल ने सजेस्ट किया टू शेयर एवरीथिंग अब हम सब कुछ शेयर करेंगे एवरीथिंग मतलब सब कुछ और शेयर मीन्स बांटना अब हम सब कुछ बांट कर खाएंगे आंसर इज ट्रू लास्ट में क्रोकोडाइल कहता है ना कि वी विल शेयर एवरीथिंग आंसर इज ट्रू लास्ट में क्रोकोडाइल कहता है ना कि वी विल शेयर एवरीथिंग ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल डू फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे फर्स्ट दॉज डैश फॉक्स कैसी थी? थीवर क्लेवर थी ना चालाक थी सेकेंड फर्स्ट दे सम डैश सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया था ग्रू मतलब उगाना सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया था राइस थर्ड ऑल द डैश ले बीनीथ द ग्राउंड क्या थे ग्राउंड के नीचे बीनीथ मतलब नीचे और ग्राउंड मतलब जमीन जमीन के नीचे क्या थे पोटैटोज राइट डाउन पोटैटोज फोर्थ देयर वॉज कूल डैश वाटर एंड डैश ऑन द इन साइड ऑफ द कोकोनट कोकोनट के अंदर ठंडा कैसा पानी था और क्या था ठंडा मिल्की वाटर था मिल्की वाटर एंड फ्लैश मलाई थी ना फिफ्थ लेट्स बोथ शेयर डैश सेट द क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल ने क्या कहा था कि लेट्स बोथ शेयर एवरी थिंग अब हम सब कुछ बांटकर खाएंगे दिस इज ऑल क्लास यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक ये एक्सरसाइजेज आप अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में करेंगे साथ में ही एक वर्कशीट है वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है और अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में करनी है थैंक यू